हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजीत कौर लखा। आज हम बात करेंगे अपने लाइफ पर्पस के बारे में कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, उसको कैसे खोजें और उसको कैसे अचीव करें। और उसको खोजने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल से टूल को यूज़ करेंगे, दैट इज़ आर हॉरोस्कोप। हम अपने हॉरोस्कोप से पता लगाएंगे कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं एक छोटी सी रेस के बारे में बात करूंगी जो आपने भी देखी होगी कई बारी। जिस एक रेस में हर्डल्स लगे होते हैं जिसको कि जंप करके क्रॉस करना होता है विनिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो हम उसको उस रेस को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, एक रेस है जिसमें कि बहुत सारे हर्डल्स हैं जिसको कि हमें ग्रेसफुली पार करना है। तो हमारी हॉरोस्कोप इसमें क्या रोल प्ले करेगी? हमारी हॉरोस्कोप जो है वो हमें, आप जब पैदा होते हो तभी ये बात बता देती है कि इस एज के दौरान, इस टाइम में ये प्लैनेट्स जो हैं वो आपके फेवर में नहीं हैं, और दे यू कैन कॉल देम एज अ हर्डल। हर्डल मीन्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि आपके लाइफ के पर्पस को होल्ड किए हुए हैं, तो आपको उनको ग्रेसफुली क्रॉस करना है, यानी कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। रेस करने में आप नॉर्मली रन कर रहे हो, लेकिन जब आपको जंप करना है तो आपको अपनी कैपेसिटी पे वर्क करके उस हर्डल को क्रॉस करना है। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसा है, जैसे कि हर्डल, सपोज़ हर्डल को हम कनेक्ट करें कि आपको आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने आपको ये बात बताया कि आपकी आपका मंगल ठीक नहीं है, आप थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएं क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो आप उन दिनों क्या करते हो? आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो और गाड़ी ठीक से चलाते हो और उस हर्डल को ग्रेसफुली क्रॉस कर जाते हो, है ना। तो सेम थिंग, अगर आपको ये बोला जाता है कि आपका मून ठीक नहीं है और आपकी मदर से आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहने वाले हैं, तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे? क्या आप उस टाइम पे ये सोचोगे कि मम्मी, अपनी मदर को आप दूसरे फ्लैट में रखो और आप खुद दूसरे फ्लैट में रहो, या आप दोनों डिस्टेंस मेंटेन करके उस सिचुएशन को पार कर जाओ? अगर आप उस सिचुएशन को पार करते हो या बाईपास करने की कोशिश करते हो, तो आपको हर्डल को क्रॉस करने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में सक्सेस, आपकी लाइफ में वो स्पीड, आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पैरिटी जो कि टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, वो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने पर्पस पे काम ना करते हुए उनको बाईपास करते हुए निकलते जाते हो, तो आपकी लाइफ का जो पेस है, जो सक्सेस का पेस है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, या उसके आगे भी हर्डल्स आ जाते हैं। तो ऑलवेज थिंक कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आई हैं या जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं कि ये प्लैनेट आपके फेवर में नहीं है, सपोज़ वो आपको ये कहते हैं कि आपका सैटर्न आपके फेवर में नहीं है, तो 7 साल जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। सैटर्न आपको क्या चाहता है? आप सैटर्न आपसे चाहता है कि आप फोकस्ड हो जाओ लाइफ में, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ लाइफ में। अगर आप इसी इन्हीं चीज़ों पे काम करते हो, अगर आप फोकस्ड हो जाते हो या आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये 7 साल तो सैटर्न है और सैटर्न जो है वो चीज़ों को ठीक नहीं होने देते, या जो भी इसके पीछे स्टोरीज़ हैं, तो और आप उस 7 साल को ऐसे ही बैठ के पार कर देते हो, अपने पे वर्क नहीं करते हो, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हो, अपने फोकस की तरफ वर्क नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में जो स्पीड है आनी चाहिए वो नहीं आएगी। 7 साल भी निकल जाएंगे और आप वहीं रहोगे जहाँ आप पहले खड़े थे। तो जस्ट टू ब्रिंग दैट सक्सेस इन योर लाइफ और जस्ट टू ब्रिंग द स्पीड इन योर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करो। यानी जो हर्डल्स आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और वो आपको बताते हैं कि ये आपकी लाइफ में ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं और ये इस दौरान आपकी लाइफ में ज़्यादा एग्रेसिव वे से काम करेंगे, तब उस टाइम पे आपका फ़र्ज बनता है कि आप भी पूरी शिद्दत से उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो ताकि आपकी लाइफ की स्पीड बनी रहे। अगर आप नहीं काम करते हो उन चीज़ों पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरी लाइफ में चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है या सब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्स वाई जेड। आप किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट पॉइंट। जो हॉरोस्कोप है वो
आपको पहले से दिन से पैदा होते ही ये बात बता देती है कि इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। आपके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो आपके सपोर्ट सिस्टम हैं, आप उनका यूज़ करो, और अपने जो आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में जो नेगेटिव इफ़ेक्ट लिए हुए हैं आपकी लाइफ में, उनके ऊपर वर्क करो और अपनी लाइफ को हैप्पी प्रॉस्परस बनाओ, बिकॉज़ दिस इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ कि हम उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा सक्सेसफुल रहें। सो आई थिंक दिस वॉज अ टिप ऑफ द डे। आप प्लीज़ वर्क ऑन योर लाइफ पर्पस एंड लिव हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू।